इसी चार्ट को पहले मिक्स कर लेना है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल रात से बारिश हो रही है और पूरा किचकिच आंगन हुआ है, और ऐसा मौसम में कुछ खाने का मन करता है। अंबरंश भी आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा मौसम में कुछ चटपटा बनाया जाए। उन लोग तो गए हैं अभी पार्क में घूमने। मैं सोच रही हूँ कि आज आलू टिक्की चाट बनाऊंगी। वो चटपटा भी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। चलिए चटपटा टेस्टी आलू का टिक्की चाट बनाते हैं, और मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। मैंने टिक्की चाट बनाने के लिए मटर को बॉयल कर लिया है। मटर भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाला में लेंगे आधा चम्मच गोलकी, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच गोटा धनिया, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, पाँच से छः लौंग, तीन हरी मिर्च, मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा इंच अदरक जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 12 कली लहसुन, हल्दी। आप इस मसाला के जगह पे पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे गोटा मसाला ज्यादा पसंद पड़ता है। मैं मसाला को पीस लेती हूँ। एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गया। दिक्कत यह है कि लाइन कटा हुआ है और ये लाइट इन्वर्टर से जल रहा है, मसाला पिसा नहीं सकता है। मैं इस मसाला को सिलबट्टा पे पीसूंगी। उससे पहले आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा देते हैं। मैंने आलू को अच्छी तरह से धो लिया है। ये मीडियम साइज का आलू है, पर मैं डाल देंगे। मसाला भी पीस लिए हैं और आलू भी बॉयल हो गया है। अब छोला के लिए मसाला बना लेते हैं। के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। गरम तेल में जीरा डालेंगे, सरसों डालेंगे, हींग डाल देंगे, 10 से 12 करी पत्ता, तेजपत्ता और बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज भुंजा के इसमें डाल देंगे मसाला। इस समय डाल देंगे बारीक कटी हुई टमाटर, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। और मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे। देखिए, मसाला से तेल अलग होने लगा है और मसाला से खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ मटर, मसाला के साथ 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको भूजेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी से स्वाद अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक। सब मसाला को मैंने 1-2 मिनट के लिए भूंज लिया है। डालेंगे पानी। अब इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। हो तो गया है, लेकिन अभी इसे कलछी से थोड़ा थोड़ा मैस देंगे ताकि हल्का गाढ़ा हो जाए। इसको बंद कर देंगे क्योंकि जब ठंडा होगा तो गाढ़ा होगा। इन लोग मैदान से आने के बाद कुछ नाश्ता किए और इन लोग का चल रहा है पढ़ाई। पढ़ाई क्या चल रहा है? इन लोग हम रिकॉर्ड कर रहे थे, इन लोग कोई ना कोई बीच में टपक जा रहे हैं। तो बोलने क्यों लग रहे हैं आप लोग? और बेटी है और यहाँ पे देख रही है कार्टून। सब अपने अपना काम में बिजी है। को मैच लिए हैं, इसमें डालेंगे कुछ मसाला जिसे चटपटा बने। प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सबको बारीक बारीक काट लेंगे या ग्रेट कर लेंगे। 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है चूड़ा। इसे धोकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिए थे ताकि चूड़ा अच्छी तरह से फूल जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे हाथ से मिला लेते हैं। 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, उस समय डालने के लिए भूल गए थे। और मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाला है जिससे कलर अच्छा आता है। चूड़ा और कॉर्नफ्लोर से आलू की टिक्की क्रिस्पी बनता है। अब हाथ में तेल लगाएंगे और इसका टिक्की तेल लगाने से चिपकता नहीं है। आप कॉर्नफ्लोर के जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। घर में बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे। इसी तरह से सारा टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। अब इतना टिक्की को पहले सेक लेते हैं, उसके बाद बाकी के बचा हुआ टिक्की भी बनाएंगे। मैं इस टिक्की को तवा पे बना रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे टिक्किया जितना एक बार में अटेगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब इसको पलट लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। दोनों तरफ अच्छी तरह से सीख गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। कैसा लग रहा है देख कर?
अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, खा लेते हैं। खा ले, खा लीजिए और क्या। बाकी के बचा हुआ भी इसी तरह से टिक्की सेक कर तैयार करेंगे। अब इसको भी निकाल लेते हैं। सारा टिक्की बनकर तैयार है, अब यहाँ पे का चाट बनाएंगे। जी हाँ, चाट भी रेडी कर रही है और हम लोग सबको डीजे से बोल रहे हैं तो बेचारे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। डालेंगे चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, टमाटर, प्याज, काला नमक। हाँ जितना सारा चाट बना रहे हैं। अब इसमें डालेंगे पापड़ी, अब इसमें डालेंगे इमली का चटनी, चाट बनकर तैयार है और सुबह का नाश्ता हम लोग के ही चलेगा। गोलगप्पा टेस्ट कर लीजिए और डेजी कुछ और ही कर लीजिए, डेजी को लेके चल रहे हैं। टेस्ट कीजिए आप लोग। ये लोग तो बोल रहे हैं कि चाची चैलेंज करवाइए, लेकिन हमेशा खाने के बारे में चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये तो शांति से खाएं। और चाट ऐसा चीज है कि चैलेंज भी मजा नहीं आता है। मजा आ गया, पार्टी मेरा मतलब ऐसा है। एक प्रो टिप, क्योंकि पिंकी के हाथ का बनाया हुआ चाट तो हम हमेशा खाते ही हैं, इसीलिए क्या करना है कि जो पिंकी का चाट है इसको हम पिंकी चाट बोलेंगे। पिंकी चाट को पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद खाना है, तब क्या है जो स्वाद है ना, चार गुना ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाबू तुम लोग भी यही करो। हम भी मिला के खाते हैं, हम ऐसे जाएंगे। और तो बस टेस्ट करने के लिए हम लोग बिना मिलाए मजा नहीं आता। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। इन लोगों टेस्ट कर लिए और मैं भी टेस्ट करूंगी, तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो इन लोग साथ बोल रहे हैं चैलेंज करवाने के लिए बेटी। हाय बोल दो बेटा सबको, हाय बोल दो। हाँ सर, ये बेटा बेटे शर्मा दी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।